दुर्ग में शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए सिटी बस योजना आरंभ की गई है, जो पूरी तरह से फेल होती नजर आ रही है। वहीं कोरोना काल के समय से बंद हुई सिटी बसें अब पूरी तरह से कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। इन बसों के संचालन के लिए एक भी एजेंसी ने टेंडर जमा नहीं किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में राज्य सरकार की कैबिनेट की बैठक में इस विषय पर चर्चा हुई। दुर्ग भिलाई औद्योगिक क्षेत्र में सिटी बस प्रारंभ किए जाने और नए रूट के प्रकाशन के संबंध में परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर को अधिकृत किया गया था। अभी जो सिटी बस के जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनसे दो तीन राउंड की चर्चा भी हुई है और उनको वारंवार नोटिस भी दिया गया है, परंतु कुछ टेक्निकल इश्यूज को लेके उनके द्वारा इस कार्य को संचालित करने में आनाकानी किया जा रहा है। पालिका निगम भिलाई ने सिटी बस का संचालन जिस समय कोविड का चल रहा था, दो साल से लगभग बस बंद पड़ी थी। बस बंद पड़ने की वजह से लगभग हमारे पास 70 सिटी बस संचालित हो रही थी, तो 70 बसों में कुछ बसें खराबी आई, जिसका अपन रिपेयरिंग के लिए एस्टीमेट तैयार किए हैं। लगभग 2 करोड़ का एस्टीमेट तैयार किया गया है।